देखिए, एक हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्या कि स्टेट द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन. नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन निकालना है किसका? कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी. मीन्स क्या कि कोप्लेनर फोर्सेस लग रहा है एक रिजिड बॉडी पे, तो वो हमें नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन निकालना है. और ये भी दिया हुआ कि इक्विलिब्रियम में है. ठीक, तो एक बार मानना पड़ेगा कि एक बार इक्विलिब्रियम में है तो दिखाना पड़ेगा कि रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा आता है, जैसे कि रिजल्टेंट फोर्स हमारा आता है और इसके साथ क्या आता है, कपल ऑफ मूवमेंट जी भी आता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा. ये दोनों आपस में जीरो हो जाएगा. यहाँ दिखाना होगा अगर कप इक्विलिब्रियम लेंगे तो ये दोनों हमारा जीरो हो जाएगा. और सफिशियंट कंडीशन में दिखाएंगे क्या कि ये दोनों जीरो है, मीन जो हमारा बॉडी होगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा. ये हमें दिखाना है यहाँ पे. ठीक है, तो यही सेम क्वेश्चन क्या है कि बुक में है, थोड़ा लॉन्ग करके लिखा हुआ है. ठीक है, तो एग्जाम में दोनों में से कोई एक आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वो जो बुक में हमारा दिया हुआ है बहुत बड़ा सब वो भी आ सकता है. ठीक है, तो दोनों का मीनिंग यही होता है, तो यही हमें दिखाना रहता है एक्चुअली में. तो देखिए, इसका प्रूफ बहुत ईजी है. इससे पहले हम एक और थ्योरम करवाए थे, उसमें क्या कि रिजल्टेंट फोर्स निकालना था. ठीक, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना था ऑन अ रिजिड बॉडी पे, तो वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. दोनों में से कोई एक आ सकता है एग्जाम में, तो दोनों कर लेना है. तो देखिए, यहाँ पे इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हम मानते हैं ना, जैसे फोर्स हम मान ले रहे हैं, तो लेट देखिए कितने फोर्स हो रहे हैं, लेट पी वन पी टू पी थ्री पी एन तक फोर्स हो रहे हैं. पी वन पी टू पी थ्री से लेके कहाँ तक, पी एन तक फोर्सेस हो रहा है ये हमारा. बी अ गिवेन गिवेन सिस्टम सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस. एक्टिंग ऑन अ, देखिए क्या एक्टिंग ऑन अ, देखिए पॉइंट्स पे, जो कि पॉइंट्स पे ही लाई करेगा, जो कि रिजिड बॉडी पे होगा. ठीक है, एक्टिंग ऑन एट पॉइंट्स, जो कि हमारा होगा ए वन ले लेते हैं, ए टू ले लेते हैं, कहाँ तक, ए एन तक ले लेते हैं, ऑन अ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी, देखिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, देखिए द सिस्टम ऑफ द फोर्सेस कैन बी रिड्यूस, क्या रिजल्टेंट और कपल ऑफ मोमेंट में होता था, तो जब रिजिड बॉडी पे लगता था कोप्लेनर फोर्सेस, तो हम निकाल चुके हैं इससे पहले. तो वही वी नो दैट द सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स, सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, जो कि हमारा होता था आर. ठीक है, सिंगल रिजल्टेंट फोर्स टुगेदर विथ अ कपल, इसके साथ कपल भी रहता था, जो कि हम जी से डिनोशन करते थे. ठीक, अब नेसेसरी कंडीशन लिखते हैं एंड सफिशियंट कंडीशन लिखते हैं इसका. तो चलिए नेसेसरी कंडीशन देखते हैं. पहले तो मानना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में है, मान लेते हैं. नेसेसिटी कंडीशन, ठीक, लेट द गिवन फोर्स be in equilibrium. तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. ठीक है, कंडीशन देयरफॉर द बॉडी हैज नेदर, देखिए इसमें मोशन ही, मोशन ऑफ ट्रांसलेशन कोई भी मोशन उसमें नहीं होगा, एंड नोर ऑफ मोशन ऑफ रोटेशन, रोटेशन मोशन भी नहीं होगा. ठीक, वो एक्चुअली में क्या होगा कि जो आर हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, और जी भी जो हो जाएगा, जो आर जी रिजल्टेंट कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे कपल ऑफ मोमेंट भी कुछ नहीं होगा. तो वही लिख रहे हैं हम क्या कि देयरफॉर द बॉडी हैज नेदर, रिलीज करते हैं, नेदर द मोशन ऑफ ट्रांसलेशन
nor the motion of rotation. So thus we have क्या हो जाएगा, देखिए r जो होगा वो हमारा जीरो हो गया एंड g जो हो जाएगा वो भी हमारा जीरो हो गया। तो इसी चीज़ को हम डिनोशन में जैसे कि समेशन में लिखना चाहें तो r को किससे, p1 p2 p3 फोर्सेस सारे लिए थे, p1 p2 से लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सारे को pi से कर देंगे समेशन, ठीक। और यहाँ i रनिंग फ्रॉम 1, ठीक है, 1 से स्टार्टिंग होगा, देखिए। एंड देन ये जो हमारा हो जा रहा है ये क्या हो जा रहा है, इक्वल टू 0 हो जा रहा है। एंड देखिए कि जो जी है हमारा, तो जी क्या था कि कपल ऑफ मोमेंट था। तो कपल ऑफ मोमेंट अगर पहले वाला क्वेश्चन में पता हो तो क्या था कि देखिए यहाँ पे क्या था कि ए आर इंटू पी आर कर लिए थे, ठीक है। कपल ऑफ मोमेंट था हमारा ये ए आर इंटू पी आर, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि ए आई इंटू पी आई। आई से यहाँ पे लिख रहे हैं, जब आई से इसमें डिनोशन कर रहे हैं वहाँ पे पी आर लिए हुए थे, तो यहाँ पे पी आई से डिनोशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आई से डिनोशन करेंगे। तो यहाँ जो समेशन होगा किसका होगा, ए आई का इंटू यहाँ पे पी आई का, ठीक है। दोनों में देंगे कपल ऑफ मोमेंट के लिए और आई रनिंग फ्रॉम 1 से, ठीक। ये हो गया हमारा नेसेसरी कंडीशन, यहाँ तक हो गया। देन सफिशियंट कंडीशन देखिए कि हम आर मान लेते हैं 0 और जी मान लेते हैं 0, तो देखिए वहाँ पे क्या होगा कि जो मोशन से हम ट्रांसलेशन होगा वो भी नहीं होगा और फिर वहाँ पे रोटेशन मोशन भी नहीं होगा। अब सफिशियंट कंडीशन देखते हैं, कंडीशन लेट हम मान लेते हैं क्या आर जो है इक्वल टू 0 एंड जो जी है हमारा ये भी 0 हो गया, ठीक। तो वेन देखिए आर जब हमारा 0 है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आर इक्वल टू 0, तो देयर इज नो ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा इन द बॉडी, इन द रिजिड बॉडी भी बोल सकते हैं, रिजिड लिखा होता है, इन द रिजिड बॉडी, ठीक। एंड देखिए जी जब रहेगा जी इक्वल टू 0 तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो रोटेशनल ऑफ मोशन होगा, देयर इज नो रोटेशनल मोशन इन द रिजिड बॉडी बॉडी, ठीक। ये इसका हो गया सफिशियंट कंडीशन का, लेकिन हेंस द सिस्टम, सिस्टम जो होगा क्या होगा, सिस्टम ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम। देखिए आर जीरो जी जीरो मीन्स क्या कि इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो और क्या कि यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है और फिर रोटेशनल मोशन भी नहीं हो रहा है, ठीक। तो दोनों नहीं हो रहा है मीन्स ये हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम है। तो फोर्स बी इन इक्विलिब्रियम, ये हमारा हो गया प्रूफ पूरा कंप्लीट।